आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई है उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है।
और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खान पान है, सदन के अंदर सब कुछ है और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर न हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है।